हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर 6। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। पेज नंबर 57। लुक एट ऑन द पेज नंबर 57 एंड लिसन टू मी केयरफुली। अवर फर्स्ट टॉपिक इज लिविंग थिंग्स मूव। लिविंग थिंग मूव कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स कैन मूव। वी वॉक टू डिफरेंट प्लेसेस। हम अलग अलग जगह पर चलते हैं। वी कैन होप स्किप जम्प रन एंड वॉक। हम लोग भाग सकते हैं, कूद सकते हैं, दौड़ सकते हैं और चल सकते हैं। एनिमल्स टू वॉक एंड रन। एनिमल्स भी चल सकता है और दौड़ सकता है। डॉग रन्स हियर एंड देयर। कुत्ता भी यहाँ वहाँ दौड़ सकता है। बर्ड फ्लाइज इन द एयर। बर्ड उड़ती है एयर में। ए फिश कैन स्विम इन द वाटर। और फिश जो है वाटर में तैरती है। प्लांट्स आल्सो मूव। प्लांट्स भी मूव करते हैं। दे डू नॉट मूव लाइक अस और एनिमल्स। दे डू नॉट वे मूव करते हैं कैसे लाइक अस एनिमल्स की तरह। प्लांट्स मूव थ्रू देयर पार्ट्स। प्लांट्स भी मूव करता है अपने पार्ट्स को। सनफ्लावर टर्न्स इट्स फेस टुवर्ड द सन। सनफ्लावर टर्न घूमता रहता है, मुड़ता है इट्स फेस, अपने फेस को मोड़ता है इधर टुवर्ड द सन, सन की तरफ। द लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट ड्रूप व्हेन वी टच देम। जो छुईमुई का पौधा होता है टच वी नॉट प्लांट, उसको जब हम टच करते हैं तो व्हेन वी टच देम ड्रूप मतलब वो सिकुड़ जाता है, तो इसका मतलब वो भी मूव करता है। एंड नेक्स्ट कैरेक्टर ऑफ लिविंग थिंग। लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता को रखते हैं। All living things can reproduce their own kind. This is called reproduction. सभी living things क्या करते हैं? Reproduce their own kind. अपनी ही जैसी संतान उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? Reproduction. Humans and most animals give birth to babies that are like themselves. Humans और animals जो होते हैं वो भी अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं। एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस। एनिमल्स रिप्रोड्यूस करता है कैसे? बाय गिविंग बर्थ यंग वंस को, अपने छोटे बच्चों को जन्म देकर। डॉग गिव्स बर्थ टू ए पप। डॉग जो है अपने बच्चों को पपी को जन्म देता है। काउ गिव्स बर्थ टू ए काफ। काउ जो है गाय बछड़े को जन्म देती है। कैट गिव्स बर्थ टू ए किटन। कैट जो है वो अपने बच्चे को, कैट के बच्चे को किटन बोलते हैं, वो बर्थ देती है अपने बच्चे किटन को। टर्न योर पेज ऑन द पेज नंबर 58। एनिमल्स लाइक डंकी मंकीज गोट रैबिट आल्सो गिव बर्थ टू देयर बेबीज। ये सभी एनिमल्स भी अपने बेबी को जन्म देते हैं। सम एनिमल्स लाइक स्नेक्स बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स रिप्रोड्यूस देयर लेइंग देयर एग्स। अपने अंडे को देते हैं, अंडे रखते हैं। देयर बेबीज हैच फ्रॉम दीज एग्स। इनके एग से बच्चे निकलते हैं। मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम देयर सीड्स। और अधिकतर प्लांट जो होते हैं कैसे ग्रो करते हैं? उनके सीड से। सम प्लांट्स लाइक जैसे पोटैटो गिंजर रोजेस रिप्रोड्यूस न्यू प्लांट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट सच एज स्टेम रूट्स एंड लीव्स। कुछ प्लांट्स जैसे आलू अदरक गुलाब रिप्रोड्यूस करते हैं नए प्लांट को अलग अलग पार्ट्स। जैसे पोटैटो जो है वो स्टेम से ग्रो करता है। रोज जो होती है वो भी स्टेम से ग्रो करती है। और रूट से के जैसे कैरेट और रेडिस ये रूट से ग्रो करता है। और लीफ से क्या ग्रो करता है? स्पिंज। नेक्स्ट कैरेक्टर ऑफ लिविंग थिंग। लिविंग थिंग्स कैन फील। लिविंग थिंग जो होते हैं वो फील कर सकते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स फील। दे कैन फील चेंजेस अराउंड देम। वे फील कर सकते हैं। दे कैन फील चेंजेस। वो अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं अराउंड देम अपने चारों ओर के माहौल के हिसाब से। दे फील कोल्ड और हॉट। वे ठंडा या गर्म को महसूस कर सकते हैं। वेन वी टच समथिंग हॉट। जब हम किसी गर्म चीज़ों को टच करते हैं वी फील द हीट। हमें हीट महसूस होता है। सिमिलरली वी फील पेन If anything hurts us, हमें दर्द होता है यदि कोई हमें दुख पहुंचाता है। Like us, जैसे कि animals can also feel cold. Animals भी ठंडी महसूस करते हैं।
गर्मी महसूस करते हैं और पेन. दे फील डेंजर, वे डेंजर फील करते हैं. वी एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, हम और अधिकतर एनिमल्स फील थ्रू द सेंस ऑर्गन्स, अपने सेंस ऑर्गन से फील करते हैं. यू माइट हैव सीन ए डॉग वैगिंग इट्स टेल और ए कैट मेकिंग परिंग साउंड टू सो हैप्पीनेस. वी माइट हैव सीन ए डॉग, हम लोगों ने डॉग को देखा होगा वैगिंग इट्स टेल, वे अपने पूंछ को हिलाते हैं, और कैट मेकिंग परिंग साउंड, कैट जो होती है वो साउंड करती है, कैसी चिल्लाती है ना, टू शो हैप्पीनेस, जब वो खुश होती है. प्लांट्स टू कैन फील, प्लांट्स भी फील कर सकते हैं. सनफ्लावर टर्न्स विद द सन, सनफ्लावर को आप देखे होंगे जब सनलाइट आती है तो उधरी तरफ उसके लीव्स, उसके फ्लावर जो होते हैं झुक जाते हैं. द लीव्स ऑफ द टच मे नॉट प्लांट क्लोज इमीडिएटली व्हेन वी टच द प्लांट, छुई मुई का जो पौधा होता है उसको जब भी हम लोग टच करते हैं तो उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं बहुत जल्दी. ओके, नाउ वी विल लर्न अबाउट द नॉन लिविंग थिंग्स. लुक एट ऑन द पेज नंबर 59, नॉन लिविंग थिंग्स. अब हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे. इसके पहले हम लोग लिविंग थिंग के बारे में पढ़े, उनके कैरेक्टर के बारे में पढ़े, अब है नॉन लिविंग थिंग. थिंग्स विच डू नॉट हैव लाइफ आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स, वह चीजें जिसके पास लाइफ नहीं होती उसे क्या कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स. थिंग्स लाइक स्टोन, टेबल, चेयर, माउंटेन्स, रिवर्स आर नॉन लिविंग थिंग्स. थिंग्स जैसे कि पत्थर, टेबल, चेयर, माउंटेन पहाड़, नदियाँ, ये सभी क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है. सम नॉन लिविंग थिंग्स लाइक वुड, बोन और ए कॉटन ड्रेस वर वंस पार्ट ऑफ ए लिविंग थिंग्स बट नो दे आर नॉन लिविंग. कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जैसे लकड़ी है, हड्डियाँ हैं, कॉटन ड्रेस है, वर वंस पार्ट ऑफ ए लिविंग थिंग, लिविंग थिंग के पार्ट तो है लेकिन ये नॉन लिविंग थिंग, बट नो दे आर नॉन लिविंग थिंग, लेकिन इन्हें हम लोग नॉन लिविंग थिंग कहते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ग्रो ऑन देयर ओन, नॉन लिविंग थिंग ग्रो नहीं कर सकते. Have you ever seen a stone to grow into a mountain? क्या आपने देखा है स्टोन को ग्रो करते हुए. Similarly, non-living things do not breathe. इसी तरह से नॉन लिविंग थिंग ब्रीथ नहीं, सांस नहीं ले सकते. Move, feel और reproduce. मूव नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते और रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. Have you ever seen a table to breathe or move or stone giving birth to a baby stone? Have you ever seen a table? क्या आपने टेबल देखा है, वो ब्रीथ लेता है, नो सांस नहीं लेता, मूव करता है, नो. स्टोन गिविंग बर्थ, स्टोन बर्थ को पैदा कर, सॉरी स्टोन जो है स्टोन पैदा करता है, नो. मैन मेड एंड नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स. अब देखिए नॉन लिविंग थिंग्स दो तरह के हैं, एक तो मैन मेड है, लिविंग थिंग्स बहुत सारे कैरेक्टर आते पड़े. नॉन लिविंग थिंग्स जो है, नॉन लिविंग थिंग्स, एक तो नेचुरल नॉन लिविंग थिंग, नेचुरल नॉन लिविंग थिंग और मैन मेड नॉन लिविंग. मैन मेड नॉन लिविंग थिंग. अब देखिए नेचुरल नॉन लिविंग थिंग क्या है, लिविंग थिंग दैट प्रेजेंट इन नेचर आर नेचुरल, नेचर में जो प्रेजेंट होते हैं नेचुरल नॉन लिविंग थिंग कहते हैं, और जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं मैनमेड नॉन लिविंग थिंग कहते हैं. नॉन लिविंग थिंग कैन बी मैनमेड और नेचुरली लिविंग थिंग. थिंग्स विच आर मैनमेड, मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैनमेड नॉन लिविंग थिंग. सम आर मैनमेड नॉन लिविंग थिंग्स आर फर्नीचर, हाउस, शूज. ये देखिए इसका एग्जांपल देखिए, फर्नीचर, हाउस, ये सभी क्या मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स हैं, व्हीकल, क्लॉथ्स एंड रोड्स. थिंग्स विच आर नॉट मेड बाय मैन, ये मैन के द्वारा नहीं बनाया जाता है, आर कॉल्ड नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल सम सॉयल, सन, वाटर एंड एयर. सॉयल, सन, स्टार, वाटर
एंड एयर। इसकी कंडीशन भी क्या है, नेचुरल नॉन लिविंग है, नेचर में पाया जाता है और मैन मेड नहीं है और नॉन लिविंग है। टर्न योर पेज, सी ऑन द पेज नंबर 60, डिफरेंस बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंसेज है? द डिफरेंसेज बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर गिवन बिलो। लुक एट दिस पेज, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स डिफरेंसेज। लिविंग थिंग्स ब्रीथ, लिविंग थिंग्स सांस ले सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, नॉन लिविंग थिंग्स सांस नहीं ले सकते। सेकेंड इज, लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर, लिविंग थिंग को फूड और वाटर की जरूरत होती है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट टेक फूड एंड वाटर, नॉन लिविंग थिंग्स को फूड और वाटर की जरूरत नहीं होती है। लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग ग्रो कर सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, नॉन लिविंग थिंग ग्रो नहीं करते। मोस्ट ऑफ द लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ओन, सभी लिविंग थिंग मूव करते हैं। नॉन लिविंग थिंग डू नॉट मूव, नॉन लिविंग थिंग मूव नहीं कर सकते। लिविंग थिंग कैन रिप्रोड्यूस, नॉन लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। लिविंग थिंग्स कैन फील और नॉन लिविंग थिंग फील नहीं करते कोई चीज। फॉर एग्जाम्पल, लिविंग थिंग जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड नॉन लिविंग थिंग सन मून रॉक्स एंड रिवर। लेट्स सी द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर, लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स एंड स्टोमेटा एंड गिल्स। दिस वर्ड मीनिंग इज राइट इन योर नोटबुक। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द वर्ड मीनिंग, लिविंग थिंग्स, थिंग्स हैविंग लाइफ। लिविंग थिंग क्या मीन्स क्या है, थिंग्स हैविंग लाइफ, जिनके पास लाइफ होती है। नॉन लिविंग थिंग, थिंग्स दैट डू नॉट हैव लाइफ, थिंग्स जिसके पास लाइफ नहीं होती। स्टोमेटा, टिनी होल्स इन द लीव्स थ्रू विच प्लांट्स ब्रीथ। टिनी होल्स, पत्तियों में छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसके द्वारा प्लांट्स होते ब्रीथ लेते हैं, उन्हें स्टोमेटा कहते हैं। गिल्स, ब्रीथिंग ऑर्गन्स ऑफ ए फिश। फिश में जो ब्रीथ, सांस लेने के जो ऑर्गन्स होते हैं उसे क्या कहते हैं, गिल्स। ओके, That's all for today. Write this word meaning in your notebook and learn it. In the next video, I will teach you exercise of this chapter. Okay, bye-bye. Thank you.